देसुरी थाना क्षेत्र के नारलाई गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट में घायल हुए 3 लोगों को पाली के ट्रॉमा सेंटर लाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नारलाई निवासी ओमाराम प्रकाश व शंकर बावरी के साथ जमीन विवाद को लेकर दूसरे गुट के लोगों ने हमला कर घायल कर दिया था। इन्हें उपचार के लिए नारलाई से रेफर पाली के ट्रॉमा सेंटर किया गया है। तो वहीं घटना को लेकर पीड़ित परिवार ने देसुरी थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया है। पुलिस उप अधीक्षक शहर जितेंद्र सिंह के निर्देशन में औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने एक आरोपी को जमीन की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार कर मेडिकल करवाया है। औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी पाना चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि 2023 में आरोपी रमजान पुत्र कालूराम जाति घोसी निवासी घोसी कॉलोनी पाली के विरुद्ध एक जमीन के धोखाधड़ी को लेकर मामला दर्ज हुआ था। इसको लेकर पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी की है। कोतवाली थाना क्षेत्र के शहीद भगत सिंह कॉलोनी के अंदर स्मैक की सूचना पर पुलिस की ओर से एक बड़ा सर्च अभियान संचालित किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन शर्मा, कोतवाली थाना प्रभारी किशोर सिंह भाटी एवं भारी पुलिस जाब्ते के साथ शहीद भगत सिंह कॉलोनी के अंदर विभिन्न घरों के अंदर छानबीन करते हुए स्मैक को लेकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पुलिस को यहाँ पर स्मैक होने की सूचना मिली थी, जिसको लेकर यहाँ पर सर्च अभियान चलाया गया। दुर्घटना में घायल होकर आए 3 लोगों ने आज ट्रॉमा सेंटर के अंदर काफ़ी हंगामा किया। यह डॉक्टर से जल्दी उपचार की बात कर रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्गा कॉलोनी निवासी 18 साल का इरफान पुत्र सलीम खान अपने दोस्त जिशान और साहिद के साथ चोटीला मिनी उर्स में गए थे। वापस लौटते वक्त इनकी मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिन्हें तीनों को पाली के ट्रॉमा सेंटर लाया गया। जल्दी उपचार करने को लेकर हंगामा किया, पुलिस को भी मौके पर बुलाना पड़ा। जबरन मकान खाली करवाने की बात को लेकर शिवपुरा से आए आज एक पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक पाली को ज्ञापन देकर न्याय की मांग की है। पीड़ित परिवार ने बताया कि शांति देवी एवं भंवरलाल चौधरी उसकी गुंडों के जरिए लगातार डरा धमका रहे हैं। इसको लेकर शिवपुरा थाने में मामला भी दर्ज करवाया गया, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके चलते उसके पूरे परिवार को भय के माहौल में रहना पड़ रहा है। इसको लेकर इन्होंने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया है। हम प्लॉट खरीद लिया सा, हमारा प्लॉट है कैसी है हमारे गाँव में आदमी के हमारे गाँव आए हुए सा करुणा देवी जो हमारा और जी मिश्री लाल है मधुरूबार बेटा है सा बबरा राम मर मात है आदमी भेजे सा हमारे ठोक मार कराने पीक में भर भर रहे बोले रब भर भर के भेजे सात्रा मैं थाना में गया सा मर कोई इतना नहीं गई सा मर सरूपरा थोड़ा सा धमकी देवे सा क्या बारह कडो सा बारह किकट निकले सा हमारा और जी की जमीन है सा हमारे कब्जा की दूर कई साल और पुराना कब्जा है सा मन बहुत परेशान कर रही है सा मैंने आप निर्दोषी है सा आप हमारी सुनवाई करो मैं गरीब आदमी हूँ सा। लोकसभा चुनाव में पुलिस की ओर से आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर औद्योगिक क्षेत्र सहित पूरे शहर में विशेष नाकाबंदी अभियान संचालित किया गया है। पुलिस उप अधीक्षक शहर जितेंद्र सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इसको लेकर निर्वाचन विभाग के निर्देशों के तहत एवं पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट के निर्देशन के अंदर औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस के अलावा सूरजपोल पुराना बस स्टैंड नया बस स्टैंड सहित विभिन्न स्थानों पर इस अभियान को संचालित किया गया है, जिसमें सीआरपीएफ के जवानों को भी तैनात किया गया। ये आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए श्रीमान एसपी साहब और एडिशनल एसपी साहब के निर्देशन के अंदर सघन चेकिंग का अभियान चलाया गया है, जिसके अंदर फोर व्हीलर चेकिंग पर हमारा विशेष फोकस है। किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तुओं की आवाजाही नहीं हो रही हो, इसको लेकर के शहर के अंदर 5 नाके लगाए गए हैं। जो भी एंट्री पॉइंट्स हैं, जैसे पणियारी चौराया है, ये हाउसिंग बोर्ड चौकी के पास है, नया गांव पुलिया है, और सिटी के अंदर नया बस स्टैंड और सूरजपोल चौराहे पर है। तो सीएपीएफ की जो कंपनीज है उनकी सहायता से और हमारे ट्रैफिक पुलिस और थानों की जाब्ते की सहायता से चेकिंग का अभियान सघन चलाया जा रहा है।